हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलएनटी कंपनी में जो एचएससी इंजीनियर और एचएससी मैनेजर की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है ईएचएस इंजीनियर की, जो है बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज दिल्ली रीजनल साइट के लिए। और यहाँ पर जो है 5 से 10 साल का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब ये जो पोस्ट है ये आज ही जो है वो की गई है, यानी कि आज के दिन ही जो है ये ईएचएस इंजीनियर की जो वैकेंसी है जो एलएनटी में निकली है। अब इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपके पास जो है बी होना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग का कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही साथ फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर अगर आपने बीएससी भी अगर कंप्लीट किया है तब भी जो है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो आप जो है टोटली यहां पर रीड कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि ये जो जॉब है ये आपके लिए सही है तो आपको जो है इस अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके इस जॉब को जो है अप्लाई करना है। अब ये हो गई एक वैकेंसी। अब ये दूसरी वैकेंसी है जो है एचएससी इंजीनियर की, जो है एलएनटी एनर्जी हाइड्रोकार्बन में अमन टावर पवई के लिए। और यहां पर जो है 5 से 10 साल का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। और ये जो वैकेंसी है ये है 14 नवंबर 2022 को जो है निकली है, यानी कि 2 दिन पहले ही जो है वो निकली हुई है। अब इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपके पास बीटेक या फिर बी जो है वो होना चाहिए, साथ ही साथ सेफ्टी का अगर डिप्लोमा है तो वो यहाँ पर वेल एंड गुड हो जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो वो जो है टोटली जो है आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि ये जो जॉब है ये आपके लिए सही है तो सिंपली अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके इस जॉब को जो है आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद की थर्ड वैकेंसी है वो है एचएससी मैनेजर की, जो है एलएनटी एनर्जी हाइड्रोकार्बन में राजस्थान साइट के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है 20 से लेकर 29 साल का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। और ये भी जो पोस्ट है ये अभी 14 नवंबर यानी कि 2 दिन पहले ही जो है वो निकली हुई है। इसके लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है डिप्लोमा बताया गया है, लेकिन इतना जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो टोटली वो जो है आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए इस अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके आप इस जॉब को जो है अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है ये तीनों वैकेंसी जो है ये अभी अभी जो है निकली हुई है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।